अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की अनबॉक्सिंग। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। साथ साथ मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता चलूँ। ये 2 GB रैम के साथ लॉन्च हुआ है, 2 GB और प्लस 2 GB दी गई है इसमें। और जिसकी रोम है, रोम की बात करें तो रोम इसमें 64 GB की दी गई है। प्राइस जो है इसकी 28,000 की है। और बाकी स्पेस जो है कैमरा वगैरह की, वो आपको साथ साथ इस वीडियो में बताता हूँ। पहले जल्दी से आपको मैं इसकी फ़र्स्ट लुक दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी फ़र्स्ट लुक। ये मेरे पास जेट वाइट कलर में इस टाइम अवेलेबल है। इसकी एक्सेसरीज देखें तो इसमें हमें एक्सेसरीज दी गई हैं, चार्जर दिया गया है, इसके अलावा इसमें डाटा केबल है और इजेक्टिंग पिन हमें इसमें मिल जाती है। इसके अलावा इसके कैमराज की बात करें तो कैमराज हमें इसके मिल जाते हैं। इसमें 2 कैमरे दिए गए हैं। ड्यूल कैमरा जो है मेन भी है 8 मेगापिक्सल का, और इसके अलावा इसमें एक डेप्थ कैमरा दिया गया है जो 0.08 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इसकी जो फ्रंट कैम है वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया है हमें। अच्छा, इस फ़ोन की हम बैटरी की बात करें तो बैटरी हमें इसमें मिल जाती है 5000 mAh की, और उसको चार्ज करने के लिए हमें साथ दिया गया है 10 वाट का चार्जर, जो कि देखा जाए तो ठीक है ना। हफ्ते बहुत स्लो होगा ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, ये कि हमारे फ़ोन को नॉर्मली चार्ज कर देगा टाइम पर। इसके अलावा इसमें 4 कलर्स में लॉन्च हुआ है। ये जेड वाइट आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमें ब्लैक मिल जाता है, लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू भी इसमें हमें मिल जाते हैं। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल फ़ोन। देखा जाए तो ठीक है फ़ोन, कम प्राइस रेंज में। अगर आपने सिंपली गेमिंग वगैरह नहीं करनी, अगर फेसबुक व्हाट्सएप के लिए यूज़ करना है तो इस रेंज में फ़ोन बेस्ट रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।